I live inside my own world of belief. Kids screaming in the cradles. हेलो गाइस, तो इस तरह की हाई क्वालिटी एडिटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो जल्दी से लाइक करें। तो मीटू एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है फिर तो सही है, तो फिर आपने अपने क्लिप को जो है ना यहाँ पर एड कर लेना है। तो मेरे पास ये जो है ना ऑलरेडी एडिटेड एक क्लिप है, इसकी सिर्फ क्वालिटी की मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। तो फिर एडिट वाले सेक्शन में आ जाना है, ये सीजर के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ना आपने इमेज क्वालिटी में आ जाना है। इस ये जो HD की आइकन आप लोगों को नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। और फिर यहाँ पर आपकी इंटरनेट कनेक्शन ऑन होनी चाहिए, या डाटा हो या फिर वाईफाई हो, आप कुछ भी जो है ना यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं इसकी स्पीड। तो यहाँ पर आपकी इंटरनेट की स्पीड जितनी तेज़ होगी उतनी जो है ना ये जल्दी से रेंडर होगी। तो ये यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी रहती है, तो ये हमारी जो है ना यहाँ पर रेंडर हो चुकी है। तो ये करने के बाद जो है ना यहाँ पर इस टिक वाला आइकन पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये करने के बाद जो है ना आपने ट्यूनिंग में आ जाना है, और यहाँ पर इसकी इन्हेंसमेंट को जो है ना 50 रख देना है, और फिर उसके बाद इसकी शार्पनेस को भी 20 के करीब रख देना है। तो यहाँ पर इसको जो है ना आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है, और इसकी क्वालिटी को जो है ना 2K और यहाँ पर 60 FPS पर क्लिक करके इसको जो है ना सेव कर देना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने एलाइट मोशन में आ जाना है। एलाइट मोशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे है, और उसका XML का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो है ना आपने एलाइट मोशन के अंदर आ जाना है। तो एलाइट मोशन का XML आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने फाइल मैनेजर में आ जाना है, जिस फोल्डर में आपका पड़ा हो। तो मेरा यहाँ पर ये यहाँ है ना, इस पर क्लिक, इसको सिलेक्ट करके शेयर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से जो है ना एलाइट मोशन को सिलेक्ट करके, मेरा ऑलरेडी जो है ना सिलेक्टेड है, सॉरी यहाँ पर शेयर्ड है एलाइट मोशन के अंदर, तो मैं इसको जो है ना ओपन कर देता हूँ। फिर आपने नीचे प्रोजेक्ट्स में आ जाना है, इस पर क्लिक करके, फिर ये जो है ना मेरा ऑलरेडी जो है ना इम्पोर्टेड है, तो इसको जो है ना आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है ना, तो यहाँ पर 3 लेयर्स आप लोगों को नज़र आ रही होगी। फिर आपने प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से मीडियम आ जाना है, और अपनी जो है ना वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना है जो अभी मीटू एप्लीकेशन से आपने जो है ना सेव की। तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पर ये राइट साइड में आपको 3 लाइंस वीडियो के सामने नज़र आ रही होगी, इस पर जो है ना 2 सेकेंड्स होल्ड करना है, और फिर इसको नीचे की साइड जो है ना ड्रैग करना है, ताकि ये 3 लेयर्स के नीचे आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से हमारी आ चुकी है ये वीडियो इसके नीचे। फिर आपने जो है ना यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर देना है, तीनों लेयर्स को आपने सिलेक्ट कर देना है, और इसको जो है ना सबसे लास्ट में आ जाना है, और यहाँ पर इस वाला आइकन पर क्लिक करके इसको लास्ट तक लेके जाना है, ताकि ये पूरी वीडियो पर सही तरीके से आ जाए। फिर आपने जो है ना अपने इस वीडियो को जो है ना एक्सपोर्ट कर देना है 1080p 60fps में फुल HD में, एक्सपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो जैसे ही ये जो है ना एक्सपोर्ट हो रही होगी, तो फिर आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी वीडियो गैलरी में चली जाएगी। फिर आपने जो है ना इन सब को जो है ना क्लोज कर देना है, और फिर से जो है ना मीटू एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है, और अगेन सेम प्रोसेस करना है। जो अभी वीडियो सेव की उसको जो है ना यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है, वीडियो एडिटिंग पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो अभी एलाइट मोशन की वीडियो सेव की इसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये रही हमारी वीडियो, तो ये कुछ इस तरह से। फिर से आपने जो है ना एडिट वाले सेक्शन में आ जाना है, और इसकी इमेज क्वालिटी में आके इसकी जो है ना क्वालिटी को रिपेयर कर देना है। तो यहाँ पर हमारी इसकी भी क्वालिटी का वो लग चुका है, फिर इसको जो है ना अगेन सेव कर देना है। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद इस तरह की क्वालिटी वीडियोज़ और पबजी के हवाले से एडिटिंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।